हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइटन वर्सेस लायंस के बीच में जो वनडे मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका लीग में, उस मैच के बारे में। तो ये मैच आपके लिए मैं यहाँ पे जो टीम ऑप्शन जो मैं आपके लिए ऑप्शन लाने वाला हूँ, ठीक है, और जो प्लेयर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल प्लेयर मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा कन्फ्यूज जो लोग हो जाते हैं, मुझे लगता है मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, एक सिंपल सा टीम बनाऊंगा जिससे आप अच्छा विन कर सकते हो स्मॉल लीग के लिए। अगर मैं ग्रैंड लीग पे जाऊं तो सारे प्लेयर के बारे में आपको मुझे डिटेल्स में बताना पड़ेगा और आपको उसके बाद आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूंगा, स्मॉल लीग के लिए एक टीम बना के दूंगा और अच्छा टीम और की प्लेयर उसमें सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो मैं मैच के बाद आपको इस मैच का जो है पॉइंट भी बता के दूंगा, ठीक है। तो विकेट कीपर पे मैंने यहाँ पे कैल्सन को लिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है क्योंकि सारे लोग जो है कैल्सन को ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं अगर कहूँ ये भी अच्छे बल्लेबाज है और इसे भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने इसे ही लिया है। तो अब बात करते हैं बैट्समैन पे मेरे हिसाब से रेजा हेंड्रिक, रोनी वांडर्स, फ्रान बेयरदीन और यहाँ पे मैंने एडिलर को लिया है जो कि ओपनिंग करेंगे टाइटेनिक की तरफ से। तो मैं आपको बता दूँ क्रेडिट के प्रॉब्लम की वजह से नहीं, जो मैक्सिमम मुझे तीन बॉलर और चार बैट्समैन ले पाया। अगर मैं मुझे कुछ अलग एक और प्लेयर को अगर चूज़ करना होता तो मैं यहाँ पे जो है डोमिक हेनरिक को लेता, ठीक है, और यहाँ पे एक और बैट्समैन को मैं पिक करता जो कि राइलोसो मौसमी है, ठीक है। और जो बड़ी न्यूज़ है वो टॉनी डीग्रोम स्क्वाड पे जो है इंक्लूडिंग किया गया है और वो शायद ओपन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं लेकिन मैंने नहीं लिया तो मैं इसके बारे में इतना बात नहीं करूँगा। तो ऑलराउंडर पे क्रिस मॉन्ड्रेस खेलेंगे 90%, एल्वी मॉर्कल एंड ड्यूएन पेंसनेस, ये तीनों ने जो है बहुत ही अच्छा किया है और ये बेस्ट आपके लिए अवेलेबल ऑप्शन होंगे। बॉलर्स पे यहाँ पे डार्जुस वाइजेंस, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बॉर्मन हेनरिंग जूनियर डाला जो है वो इंजर्ड है तो वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टविया शम्सी को लिया है और ये कुछ अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम एनालिस की, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। एलबी मॉर्कल को मैंने कैप्टन इसलिए लिया है क्योंकि ये बॉलिंग करते हैं प्लस बैटिंग भी जो है अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है। और वाइस कैप्टन रेजाइन टिक की इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये प्रॉपर बैट्समैन है, बिल्कुल प्रॉपर बैट्समैन, टेक्निकली साउंडेड है और वनडे के लिए परफेक्ट बैट्समैन है। इसके अलावा फ्रान बेयरदीन एक की प्लेयर है, बॉलिंग करते हैं, हिटिंग भी करते हैं और अच्छी खासी प्रॉपर बैटिंग भी करना जानते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पे क्रिस मॉरिस एक की ऑलराउंडर है T20 के लिए, अगर T20 होता तो मैं इसे कैप्टन बनाता लेकिन क्योंकि ये वनडे है तो हमारे लिए एज अ प्लेयर बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हेनरिक की बात करते हैं, बी हेनरिक जो कि फारो बॉलर है जो कि की बॉलर है आपके लिए, एक बहुत ही अच्छी जो है विकेट ले सकता है मिनिमम इस मैच में। मैं कंडीशन करता हूँ मिनिमम दो विकेट या ज़रूर पिकअप करेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर था, ठीक है, और शम्सी भी अच्छे बॉलर है, केटिकिंग बॉलर है। तो ये कुछ बॉलर है और ये कुछ टीम है टाइटेनिस वर्सेस लायन के बीच में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।